वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी तथा लोगों से सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करने के साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर तथा महिला थाने पर ही अन्य सहकर्मियों के साथ भोजन बनाकर वितरित किया गया। साथ ही साथ कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए उनके बचाव के तरीकों को बताया, जिससे कोरोना वायरस बीमारी से लोग अपना व अपने परिवार वालों का आसानी से बचाव कर सके। सबको यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अपने सब लोग घर में रहिए। नहीं तो ठीक है, आप अपने अपने घर में सब लोग रहिए, अपने घर के जो बच्चे हैं बड़े हैं उनको भी कहिए कि आप अपने घर में रहो। हाँ तो देखो आप लोग दिन भर घर में रहो, अगर आधा घंटा के लिए भी निकल गए ऐसे किसी व्यक्ति से मिल गए जो कि संक्रमित है, सब संक्रमित हो जाएंगे ना, दिन भर की मेहनत सारी हो गई बेकार। नाम सुनिए ना कोरोना वायरस का, सब लोग इलाज कहाँ लगा वहाँ निकलो, मुँह बांध के साड़ी पहनने वाले होंगे तो और अच्छा है, अपना मुँह बांधे और निकल गए। तो आप लोग मुँह बांध के हमेशा रखो, मास्क नहीं हो तो मास्क हम लोग, लेकिन हमेशा मुँह बांध के रखिए आप सब लोग, ठीक है। आप ढूंढते हैं आप लोग घर में बच्चों को बढ़ती है कितनी बार खाना खाने जाते हैं तब नहीं, उसके अलावा दिन भर में कहते 10 बजे साबुन से पूरा हाथ ऐसे ऐसे पूरा करके लोग बताएं कि पूरा बता लोग हाथ पूरा तरीका तुम लोग भी देखते रहो। आप हाँ नहीं तो ये तो पूरा पूरा हाथ धो लो सब लोग, घर में ही कम से कम सफाई रखोगे तो नहीं पड़ोगे, सफाई नहीं रहेगी। देखिए सब लोग पूरा देश इसी से परेशान है, विदेश सब लोग परेशान है, अगल बगल सफाई रखो अपनी। अब देखो देखो चाची को भी समझाया, चाची अपना उंगली की आंखें मत लगा ली, पतला उंगली आंख में लगा लिए, कान में लगा ली, नाक में लगा ली, नहीं सब लोग अपने हाथ को खुजली भी हो तो कपड़ा से ऐसे कैसे पोस लो, लेकिन अपने हाथ को ना उंगली आँख में नहीं लगाना है, कान में नहीं लगाना है, मुंह में नहीं लगाना है, ये बच्चों को भी समझाना है। क्यों बेटा मम्मी समझाती है ऐसे, हाँ फिर भी आँख में खुजली कर लेते होंगे, करते हो नहीं, करना नहीं है। हाथ 4-5 बार धोगे तो कर भी लोगे तो थोड़ा बचे रहोगे, ठीक है। कोरोना ये कोई बीमारी है सर्दी, और अगर घर में आप लोगों के घर के आसपास अगर कोई ऐसा हो जिसको लंबे समय से मेरा आपको लग रहा हो कि बुखार आ रहा हो, सर्दी जुकाम हो, तो शासन को तुरंत सूचना दे दो। कोई बाहरी व्यक्ति अगर रहने आता है उसके संबंध में सूचना दे दीजिए तुरंत, ताकि उसका इलाज हो सके। देखिए भाई इसको सुरक्षा करना ही, लोगों से दूरी बना के रखना ही बचाव है, और कोई बचाव नहीं है। सब लोग अपना अपना बचाव करिए। यहाँ के तो हम जब भी आते हैं देखते हैं आप लोग झुंड बना के बैठे रहते हैं, नहीं हमेशा बैठ रहे हैं दुकान, आप जितनी भी लगा है इनका भी ठेला, सब्जी का भी लगा है, थोड़ा दूरी दूरी भी बैठती है, जैसे ये दूरी है इतना दूरी सही है, आप भी दूरी बना के रखो, ऐसे झुंड बना के सब लोग नहीं बैठी आपस में। यहाँ पानी आ ही रहा है, कुछ भी है दिन भर में 10 बार हाथ धो लीजिए, मास्क लगाने का सही तरीका क्या है ये नहीं, मास्क पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये मास्क यहाँ से लेके नीचे तक होना चाहिए, और ये आप मास्क ये मास्क उठाने तुरंत फेंक दीजिए, ये वाला मास्क जो ब्लू वाला मिलता है सिर्फ 1 दिन लगाने के लिए, 8 घंटे लगाने के लिए होता है, अब उसमें इतने वायरस हो गए होंगे कि वो आपके पास गमछा सबसे अच्छा गमछा है रात में धुल दीजिए, सुबह फिर अपना मुँह बांध लीजिए, ये मास्क रोज धुलते हैं आप, ये मास्क डेली रात में जाके अपना मास्क है या गमछा है उसको धुल दीजिए, बकायदे आधा घंटा पानी भिगा के धुल के उसको सुखा लीजिए, फिर सुबह फिर लगा लीजिए उसको, एक दिन ये 1 दिन ज़्यादा लगाने के लिए नहीं होता। नहीं हाँ दिया होगा तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, जैसे हमने ड्यूटी निकलते हैं ना 1 दिन के लिए निकले निकल लगाया फेंक दिए, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लगाते, हम लोग कपड़े वाला ही मास्क लगाते हैं। आप लोग सबसे अच्छा घर में कपड़ा ही है आपका, गमछा सबसे अच्छा है, और अपना मैं मतलब आँख नाक कान सब मत वो मत लगाया करिए, ठीक है। कोई आता भी है तो एक दूरी बना के उसको सामान दीजिए, आप लोग भी दूरी पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों को समझाइए कि वो घर में रहें, हाथ धोने सफाई से रहें, आँख नाक कान पे अपनी उंगली को ना ले जाएं, आप सब सुरक्षित रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो हम लोग को बताइए। कोई आपके घर में परिवार में अगल बगल कोई है जो बहुत दिन बीमार चल रहा हो
सर्दी जुकाम हो रहा हो तो उसकी सूचना प्रशासन में दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? तो भी बताइए, खाना तो हम लोग आप मिल ही जाए, लगभग हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं। हाँ, खाना तो बढ़िया, आप लोग मौज से बंदर खाते जैसे आप मस्त रहिए, अपने अपने घर में रहिए। शाम को शाम को तो कोई दिक्कत नहीं, जब 4-5 बार मिल जाते हैं तो उसको रख लीजिए, शाम को खा लीजिए, कोई वो नहीं, ठीक है?